हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा, पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आप सभी फ्रेंड्स का मैं एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूँ। कैसी हैं आप सभी फ्रेंड्स? तो आशा करती हूँ मेरी सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छी होंगी, ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। और ये ब्लॉग जो है 13 जुलाई का है, 13 जुलाई दिन बुधवार का सुबह के 7 बजे से मैंने वीडियो को स्टार्ट कर दिया है। और आज है गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा मेरे यहाँ कैसे मनाई जाती है, क्या सब किया जाता है, वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और ये है नई झाड़ू फ्रेंड्स। तो नई झाड़ू का शुभारंभ बड़ा सोच समझ के अच्छे दिन को किया जाता है, तो मैंने बस इसे गुरु पूर्णिमा के दिन के लिए ही रखा था। इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता है झाड़ू को निकालने का, तो इसीलिए बस आज से मैंने अपने घर में नई झाड़ू का यूज कर लिया है। और फ्रेंड्स, झाड़ू बहुत ज़्यादा टूट रही थी आजकल, मतलब तो मैं फिर अब इस बार प्लास्टिक की झाड़ू लेकर आई हूँ, तो देखते हैं कब तक चलती है वो। तो आज का दिन अच्छा लगा मुझे झाड़ू को यूज करने के लिए, निकालने के लिए, तो बस आज मैंने न्यू झाड़ू से झाड़ू का मतलब झाड़ू लगाई है, तो अब से डेली इसी झाड़ू से लगेगी झाड़ू घर में। और उसके बाद डिटॉल का पोछा लगाने लगी हूँ मैं। जब से बरसात स्टार्ट होती है या सर्दियों में भी मैं डिटॉल का पोछा ही ज़्यादा मैं मतलब लगाना सही समझती हूँ, क्योंकि घर में मेरे छोटा बच्चा है, आप सभी देखते हैं, और वो नीचे की चीज़ें उठा के कब मुंह में डाल ले कोई पता नहीं लगता, तो इसीलिए मैं तो डिटॉल का ही पोछा लगाती हूँ। एक मंथ में एक मतलब एक सीसी डिटॉल मेरे पोछे में ही चला जाता है। तो बस पोछा लगा, डस्टिंग वाला झाड़ू वाला काम निपट चुका है और पोछा भी मेरा देखिए लग चुका है किचन से, और पीछे वाले कमरे का भी मैं लगा ली हूँ पोछा। और उससे पहले मैं ये वॉश मशीन साफ कर लेती हूँ और उसके बाद इस कमरे का भी लगा लूँगी, उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? ये आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। और यहाँ देखिए मेरा जो है हवन के लिए ये अग्नि बन रहा है, हवन करना है मुझे। आज गुरु पूर्णिमा है तो मैं नहा धोकर ये देखिए रेडी भी हो चुकी हूँ, और यहाँ मैंने पूजा का जो है तैयारी भी कर लिया है। तो गोटे में पानी ले लेती हूँ, अब हम करेंगे पूजा। तो मैं आरो के पानी से ही मुझे जल चढ़ाती हूँ। और आप सब क्या कैसे क्या हो रहा है जरूर मुझे बताइएगा। शिव दुख को लेकर जाऊंगी, तो चलिए फटाफट से कर लेती हूँ मैं पूजा, और पूजा करने के बाद फिर मैं मिलती हूँ आप सभी से। तो मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स अपने घर के मंदिर में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। और आज से मतलब जो है हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार त्यौहार जो है शुरू होते हैं। अब पहले गुरु पूर्णिमा, फिर सावन का पर्व, फिर सावन के एक महीने के अंदर हरियाली तीज, उसके बाद रक्षाबंधन, तो ऐसे ही अब हमारे त्यौहारों की शुरुआत हो जाती है। तो बहुत ही बड़ा पर्व है गुरु पूर्णिमा। बहुत सारी जगहों पर गुरु पूर्णिमा को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ इतना मतलब कोई धूमधाम से नहीं मनाया जाता है, जिसको पता है वो घर में ही अपना मनाते हैं। और मैं गुरु पूर्णिमा हो या हर महीने की पूर्णिमा हो, आप सभी को पता है मैं वीडियो में भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं स्पेशली पूजा पाठ करती हूँ गुरु पूर्णिमा के दिन, मतलब पूर्णिमा के दिन मैं हवन जरूर करती हूँ। सुबह के टाइम हवन जो हो चुका है, हवन दिया बाती पूजा पाठ सब अच्छे से हो चुका है। वेदों को आशीर्वाद मैंने भगवान का दिला दिया है, क्योंकि बच्चे बड़े सभी के लिए आशीर्वाद भगवान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूजा पाठ करने के बाद मैं आ चुकी हूँ छत पे कुछ कपड़े लेकर सुखाने के लिए, लेकिन कोई मतलब नहीं बना था फ्रेंड्स, क्योंकि बस 20-21 मिनट के बाद जो तूफानी बारिश हुई ना, तो फिर मुझे बस मैं क्या ही बताऊँ, दौड़ कर कपड़े लेने ऊपर जाना पड़ा, ला के फिर घर में सुखाने पड़े। तो बारिश आती है तब होता तो बहुत अच्छा है, ठंडा होता है मौसम, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है, पर बस यही है कि कपड़े कुपड़े सुखाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो मौसम है तो बारिश तो होगी, और कई जगह तो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ जब से सावन लगा है, मतलब 1 जुलाई से ही हो रही है बारिश, और जब से सावन देखिए आज है गुरु पूर्णिमा, और बस कल से एक दिन बाद से सावन स्टार्ट होता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ देखिए कितनी ज़बरदस्त बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा, सारी सीढ़ियों से पानी बह रहा था, आंगन से पानी बह रहा था बहुत ज़्यादा। और बेदू तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, ये बोली थी मुझे बारिश के पानी में नहाना है। तो ये देखिए उसके पापा बार बार उसको ऐसे कर रहे थे, और उसको बहुत मज़ा कर रही थी, मतलब इन्जॉय कर रही थी मेरी बेटी बारिश को, फुल इन्जॉय कर रही थी। और सावन की पहली बारिश कह लीजिए, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और कल से सावन स्टार्ट है। मेरा वीडियो ये थोड़ा सा लेट जा रहा है, पर तो सावन स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए कितना पानी गिरा हुआ है घर में। तो बस फ्रेंड्स, सुबह में तो मेरे यहाँ सिंपली पूजा होती है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, वही हवन होता है और वही पूजा पाठ नॉर्मल होती है।
और फ्रेंड्स शाम के समय में थोड़ा सा स्पेशल कुछ बनाया जाता है, जैसे कि खीर तो मैं हर पूर्णिमा को ज़रूर बनाती हूँ, कई बार वीडियो में शेयर भी कर चुकी हूँ, तो खीर भी बन रही है आज। आज गुरु पूर्णिमा है तो खीर तो स्पेशली बनेगी ही, तो खीर बन चुकी है और उसके साथ में बना रही हूँ खट्टी मीठी भंडारे वाली जो कद्दू की सब्जी होती है वो बिना लहसुन प्याज का, क्योंकि आज पूर्णिमा है तो लहसुन प्याज यूज नहीं करती हूँ मैं पूर्णिमा के दिन, और अमावस्या के दिन भी नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ खट्टा मीठा कद्दू मेरा बना रही हूँ बहुत सिंपल तरीके से, कड़ी पत्ता जीरे के साथ राई के साथ इसको मैंने तड़का दे दिया था, और उसके बाद हरी मिर्च टमाटर और उसके बाद कद्दू डाल दिया था। कद्दू मेरा कच्चा कद्दू है तो इसलिए मैं छीली नहीं हूँ, बिना छीले ही बना रही हूँ। इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक बस, और इसमें मैं कुछ ऐड नहीं करूँगी, और लास्ट में इसमें मैं थोड़ा सा चीनी मिला दूँगी, और ये खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी मेरी जो है तैयार हो जाएगी। और ये देखिए सब्जी हो चुकी है, तो इसमें मैं बस अब धनिया और चीनी ऐड कर रही हूँ, तो इससे थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट आ जाएगा, तो सब्जी बहुत ही मतलब टेस्टी बनती है इस तरीके से। पूजा पाठ वाले दिन खाने का टेस्ट दुगना हो जाता है, तो बस खीर और मेरा जो कद्दू की सब्जी बन चुका है ये देखिए, और मेरा आटा भी लग चुका है, तो खीर और कद्दू की सब्जी बन रही है तो पूड़ी ही बनाऊंगी मैं शाम के खाने में। और यहाँ मैं कपड़े चेंज करके रेडी हो चुकी थी मंदिर जाने के लिए, तो शाम को मंदिर भी गई थी मैं, मंदिर जाके दिया पूजा वगैरह मंदिर में भी मैं कर आई, घर में भी मैंने दिया पूजा कर लिया, और घर में शाम को हम खीर का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो खीर का प्रसाद मैंने चढ़ा दिया था। पूड़ी वगैरह बन चुकी है, तो ये गाय के लिए मैंने निकाला, गाय के लिए मैंने एक पूड़ी उस पर थोड़ा सा मतलब खीर रखकर, और मैं सवेरे दूध वाले भैया जब आएंगे तो उनको दे दूंगी गाय के लिए। तो गाय के लिए खाना निकालने के बाद मैं हस्बैंड के लिए लगा रही हूँ थाली, अब हम खाना खाएंगे। आ जाइए आप सब भी, गुरु पूर्णिमा की थाली इंजॉय करिएगा, बहुत ही अच्छा प्रसाद बना था, और हर पूर्णिमा बनाना चाहिए, अच्छा होता है। घर में कुछ ना बना सको तो खीर तो ज़रूर बनानी चाहिए पूर्णिमा के दिन, जो कि मैं हर पूर्णिमा बनाती हूँ। तो ये वीडियो कैसा लगा, ब्लॉग कैसा लगा, बस इसी तरीके से सिंपल तरीके से गुरु पूर्णिमा हमारे यहाँ मनाया जाता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं किया जाता है। तो ये लग गई देखिए मेरी थाली, और सच में बहुत अच्छा प्रसाद बना था, पूड़ी और कद्दू की सब्जी खीर। तो अब हम खाना खाएंगे, करीबन बज रहे रात के 9, इस वीडियो को अब एंड करती हूँ। और मैं बेदू को बोली थी आप सभी से बाय करने के लिए, नमस्ते करने के लिए, तो वो कुछ खा रही थी तो वो दिखा रही थी कि क्या खा रही है वो। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, बाय।